हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं नौलिंग देवता के दर्शन करने, जो कि आता है सनगाड़ में। और बहुत प्राचीन वो मंदिर है, बहुत प्यारी सी उसकी स्टोरी है। और स्टोरी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मेरे को भी बहुत क्लियरली पता नहीं है, तो मैं जहाँ से भी मुझे डाटा मिलता है मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं रोड की हालत कैसी हो रखी है। और इस तरह से कुछ आपको रास्ता देखने को मिल जाएगा। और सीरियसली बताऊँ ना, मेरे को बिल्कुल इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना नीचे जाना है हमें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बाय गॉड। और मतलब नीचे जाना है, चलो कोई बात नहीं, रास्ता कैसा भी है चलो कोई बात नहीं। इतना ज़्यादा मिट्टी इसकी फिसल रही थी, और ऊपर से मैंने मम्मी ने क्या करा था, उससे पहले जो मंदिर हम गए थे पार कोटगाड़ी देवी, तो वहाँ पे मम्मी ने मेरे साथ ना हील एक्सचेंज कर लिया, और मम्मी ने मेरे जूते पहन लिए। और कसम से वह इतना संभल संभल के चल रही थी, मैंने कहा कहीं लुढ़क लुढ़क ना जाऊँ मैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता। और सौभाग्य की बात यह है हमारी कि ये मंदिर ना, इस मंदिर में पंडित जी नहीं थे, तो हम रास्ते में जैसे पूछते पूछते आ रहे थे, तो वहाँ पे जो इस मंदिर के जो पंडित जी है वो भी हमारी गाड़ी में ही आए। तो उन्होंने कहा मैं भी वही जा रहा हूँ, तो मतलब भगवान की कृपा से हमें पंडित जी मिल गए। क्योंकि जितने भी प्राचीन मंदिर थे हम हर जगह पाठ पढ़ा रहे थे, मतलब पूजा करा रहे थे, और तो पंडित जी भी मिल गए, तो बस भगवान की कृपा है ये है। और पंडित जी इतनी तेजी तेजी से चल रहे थे, कसम से जब तक हमने एक कदम आगे को रखा हो तो नीचे भी पहुँच गए थे वही, बहुत तेजी चल तेज से चल रहे थे। और ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं यार मंदिर में, क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे शायद ही हमारे अलावा कोई और आया होगा, और पंडित जी भी हमारे साथ ही आ गए थे, तो हो गया था। चला भी नहीं जा रहा। अभी पीछे से सब आ रहे हैं। आजा आजा आजा, मैं गिरूंगी तो मेरा पैर फटकेगा, तो खुद तुम तो बनाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो गाइस अब हम गाइस, मेरी मम्मी ने मेरे जूते पहन लिए और अपनी हील मेरे को पकड़ा रखी है, इसलिए मैं ऐसे चल रही हूँ। कहीं ऐसा मत सोचना कि मेरे को चलना नहीं आता। नहीं आता कि करे। इतना सर धज के इतने पहाड़ी में उबड़ खाबड़ की बड़ खाबड़ जो भी बोलते हैं, ऐसी पहाड़ियों में चलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो पंडित जी पहुंच गए थे, उसके बाद जीजा जी अर्णा को लेके पहुंचे, और हम तो धीरे 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 चल रहे थे। देख ही सकते हो आप रास्ता कितना उबड़ा खाबड़ है। उबड़ खाबड़ तो चलता है यार, लेकिन मिट्टी सच में बहुत ज़्यादा फिसल रही थी। और देखो यहाँ पे पंडित जी को देखो, हम मैं कितने ऊपर से शूट कर रही हूँ, और हमने भी उसी टाइम थोड़े मतलब थोड़े से आगे पंडित जी थे हमसे जब हमने चलना स्टार्ट करा था। और बीच अब कितने टॉप से हम आए हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कैमरा इतना मतलब वो भी नहीं कर पा रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा यार कसम से खतरनाक खतरनाक रास्ता तो नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा सा बना देते ना यार रास्ता। सो यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह रास्ता है, और बड़ा टाइम लगा। और सबसे लेट पहुँचने वाली मेरी बहन सोनू मैडम थी, और सबसे ऊपर लेट सोनू ही आई, और सांस भी बहुत फूल रही थी। नीचे जाते हुए किसकी सांस फूलती है, नीचे जाते हुए भी हम थके, ऊपर आते हुए तो खैर थकना ही था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, टाइम लैप्स लगा रखा है क्योंकि बहुत लंबी बन जाती वीडियो। ये देख सकते हैं आप, जीजा जी पहुँच भी गए और अभी हम ऊपर ही हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी चल रही है आगे, या चाची है, दादा है, और सारे आगे थे हम, और अभी थोड़ी देर में ही हम पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, सबसे लेट आई, सबसे लास्ट में आई मेरी बहन सोनू। और बस मंदिर की जो कहानी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और बाकी आप मंदिर का एंजॉय करिए व्यू। और अंदर से यार पता क्या मतलब, बाकी वीडियो में देखा मैंने, अंदर से लोगों ने पार्ट पूर्ट सब दिखा रखा, और मेरी बहन ने आके मुझे बोल दिया यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा खोला ही नहीं मैंने। बाकी मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ऐसा बोला जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लोगों ने अपनी श्रद्धा से रुपये दिए थे, किसी ने 500, किसी ने 300, उस टाइम पर तो बहुत होते होंगे ना। सो यहाँ पे जो लाल पट्टी नहीं है मंदिर के ऊपर से बनी थी, वहाँ पे उनके नाम रखे हैं राशि सहित। और यहाँ पे इतना सुंदर व्यू था चारों तरफ, मेरे को तो मज़ा ही आ गया, और मौसम भी अच्छा सा हो रखा था। और यहाँ पे खूब सारे बंदर हमें देखने को मिले जो कि लड़ाई कर रहे थे प्रसाद के लिए। और बाकी आप इंजॉय करिए। Thank you.
बहुत ज्यादा थक गए, हमारी हालत डाउन हो गई है बहुत ज्यादा हालत, और हमें खराब इतने ऊपर जाना है। हम आपको बता भी नहीं सकते नीचे तो इतने जल्दी पहुंचे, बट हमें जानता ऊपर हम कैसे जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको एक मिनट, हम कहाँ थे इतने नीचे और हम कहाँ जा रहे हैं। ऊपर जा रहा सबसे इतने ऊपर का पेड़ है यार, हम वहाँ पहुँचने यार, हमें क्या बताऊँ, बस सांस इतनी फूल रही है। मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, कहीं मैं भी पलटू और कैमरा भी पलटे और हम दोनों गुम हो जाए। गुम तो सो गाइस, हमें इतनी ज्यादा गर्मी लगी, हमें जैकेट खोलने पड़े और इतनी सांस फूल रही है कसम से। सब ऊपर पहुंच गए लेकिन मेरी मैडम बहन बहुत ज्यादा हाफ रही थी, बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ। ये पहाड़ी है देखो, मैं नहीं थकती, मेरे को तो ट्रैकिंग करना मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। और लेकिन आज मेरे कपड़ों के भार और ये जैकेट के भार से थोड़ा मैं थक गई हूँ। ऊपर से आपको मैंने चढ़ाई दिखाई दी, कितनी ज्यादा चढ़ाई थी। और अभी हम जा रहे हैं टॉप में, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा यार, इतनी ज्यादा सांस फूल रही है और चलते चलते कसम से इतनी गंदी गर्मी लगी कि जैकेट खोलनी पड़ी। बाकी मौसम तो यार ठंडा ही हो रहा है, और चलो ये भी देख लिया हमने, नौलिंगा मंदिर भी देख लिया, काफी सुंदर मंदिर यह है। और इस मंदिर को देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, और अंदर तो वीडियो ले नहीं सकते थे तो आपके मैं दर्शन अंदर से तो नहीं करा पाई, लेकिन मैं बाहर से तो कराई दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा रह गया तो ऊपर जाके ही मिलते हैं। ठीक है गाइस, और देखो मेरी बहन, इसके चक्कर में मैं इसके चक्कर में रुकी थी मैं, वरना अभी तक तो मैं पहुंच गई होती ऊपर। इतनी लेट लतीफ है ना ये कसम से लड़की, सबसे लेट मतलब नीचे भी ये पहुंची और ऊपर जाते हुए भी सबसे लेट आ रही। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब पहुंच चुके हैं, कसम से सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, बोला भी नहीं जा रहा है। तो मैं मिलती हूँ ऊपर ही आपसे, ठीक है। गाइज आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो, और इंतजार करना अगले ब्लॉग का। बाय बाय।